अथवा दानव, गंधर्व हो अथवा मानव, प्रकृति के नियम सभी के लिए समान है। मैं भी नटू नियमों का पालनहार, मैं ओंकार। शुक्राचार्य को बुलाकर आदेश देते हैं कि वे हिरण्यकश्यप के अत्याचार बंद करवाएं। दैत्य सेनापति दुंदुभी जब दरबार में आकर दैत्यराज के ऋषियों पर किए गए अत्याचार की चर्चा करता है तो द्वितीय पुरस्कार स्वरूप होलिका का विवाह उससे करना निश्चित करती है। शुक्राचार्य शिव का आदेश सुनाते हैं और हिरण्यकश्यप से विवाद करते हैं। प्रहलाद पिता को समझाना चाहता है किंतु क्रोधित पिता पुत्र को समाप्त करने की आज्ञा देता है। कयाधु विलाप करती है किंतु उसके बच जाने पर पुनः उबलते तेल में फेंकने की आज्ञा देता है।